अगली बार देवी जी जब आप जाइएगा अपने इंस्टाग्राम पर या अपनी जो आप मैगजीन्स के कवर के लिए फोटो शूट कराती हैं, वहां अपनी हालत को देखिएगा, अपनी नग्नता को देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा, मैंने अपने आप को यहाँ ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रखा है तो क्या कर रखा है? और आप खुद अपने आप को ही नहीं ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं, आप रोल मॉडल बनकर इस देश की करोड़ों लड़कियों को तबाह कर रही हैं। सीधी साधी मासूम लड़कियां होती हैं जो किसी भले काम में अपना मन लगाना चाहती हैं, जिनके जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य होता है, जो पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, फौज में जाना चाहती हैं, किसी कला में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके सबके मन में आपने वायरस लगा दिया है अश्लीलता का, कामुकता का, नंगेपन का, भद्देपन का। और उस वायरस का प्रदर्शन आज देश की गली गली में हो रहा है, चौराहों पर हो रहा है, हर घर के अंदर हो रहा है। लड़कियां हो, लड़के हो, सबको आपने इतना तबाह कर दिया कि कोई इंतहा नहीं। और उस पर तुर्रा ये, जरूरत ये कि आप बता रही हैं कि वो तो धर्म ने फीमेल बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया है। देखिएगा अपनी फिल्मों के दृश्यों को, जब ऊपर नीचे आप रुमाल बांधकर नाच रही होती हैं और आपके जो नारी अंग हैं उन पर कैमरा जूम इन करता है और फिर स्लो मोशन में उनको हिलते डुलते उछलते दिखाया जाता है, ये आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना को उछलते हुए दिखाया जा रहा है? आप नहीं अपने जिस्म को ऑब्जेक्टिफाई कर रही, वो भी पैसे की खातिर। जो पैसे की खातिर जिस्म बेचे, जानती है ना उसके लिए क्या शब्द होता है? थोड़ा सुधरिए, थोड़ा अध्यात्म की ओर आइए। अभिनय बहुत ऊंची कला भी हो सकती है, पर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकांश अभिनेता अभिनेत्रियां जो करते हैं वो अभिनय 1% भी नहीं है, वो शरीर का प्रदर्शन मात्र है, बहुत भद्दा। अभिनय करके दिखाइए ना, हम भी तरस रहे हैं कि अच्छी अभिनेता हूँ, अच्छी अभिनेत्रियां हूँ, अच्छी फिल्में बने तो सही। आप तो फिल्मों के नाम पर इरोटिका बना रहे हैं, कोई अंतर ही आपने अब नहीं छोड़ा है पोर्नोग्राफी में और फिल्मों में। पॉर्न की एक्ट्रेस फिल्मों में काम कर रही है, फिल्मों की एक्ट्रेस पॉर्न में काम कर रही है, एकदम टू वे ट्रैफिक हो चुका है।